आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन डाइल्यूट एन एसेट। तो बिफोर डिस्कसिंग अ वेरी कंसंट्रेटेड टॉपिक, मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आज का लॉकडाउन है, आप किचन में चले गए कि चलो आज पकौड़े बनाने हैं। हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में गर्म तेल रखा, गैस को ऑन किया, तेल को गर्म किया और पकौड़े का बैटर भी साइड बाय साइड बना लिया। और एक ये करछी ली जो हल्की सी, जिस पे थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, ठीक है, वेट है। और हमने ये करछी ली और हमने इस गरम ऑयल में इसको डिप कर दिया बाय डिफॉल्ट, बाय चांस। सो व्हाट हैपेंड, डोंट ट्राई दिस एट होम, ट्राई नहीं करना, एक सिचुएशन है बस आपको बता रही हूँ। देन ऑल द ऑयल विच इज़ प्रेजेंट हेयर, इट्स ड्रॉप्स, उसकी कुछ ऐसे छींटे हैं जो बाहर आ जाएंगे गर्म ऑयल के, और अगर आपकी बॉडी पे वो छींटे टच हो जाएं, देन इट विल बी वेरी हार्मफुल सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। सो मीनिंग सिंपल, गरम ऑयल था और इसमें पानी की सिर्फ एक ड्रॉप गिरी जिसमें इस तरह से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब आप कंडीशन को रिवर्स सोचें कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें वाटर ही वाटर है और आपने उसमें गर्म पानी, अगर फॉर एग्जांपल आप हॉट वाटर भी ले देते हैं तब भी कुछ नहीं होगा, आप इसमें एक या दो ड्रॉप ऑयल की डाल देते हैं, तब क्या सेम रिएक्शन होगा? नहीं। यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक था कि ऑयल की ड्रॉप्स बाहर आ गई, इस केस में वाटर वेपर्स ही होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग या हार्मफुल ड्रॉप्स आप पे नहीं गिरेंगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए डिस्कस किया कि एसिड बेस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम उसके हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट देखें ज़रा। ऑयल बिल्कुल भी एसिड नहीं होता है, तो सिर्फ एक सिचुएशन की रिजेम्बलेंस मैंने आपको दी है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमने दो बीकर लिए, ठीक है, इन वन बीकर वी आर हैविंग एसिड इन टू इट और दूसरे बीकर में हमने लिया वाटर, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन है, हम एसिड के अंदर ऊपर से वाटर को ऐड कर रहे हैं और सेकेंड सिचुएशन में हम ऊपर से एसिड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन वही है जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि ऑयल है और हमने पानी डाला तो क्या होगा, तो वही सेम केस एसिड के केस में होगा। एज सुन एज वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, इट इज़ एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो ये डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। अब वो हीट इवॉल्व होगी और अगर एसिड के स्प्लैश बाहर आ गए, देन इट विल बी वेरी हार्मफुल टू यू, ठीक है। एसिड का आपको पता ही है बहुत, अगर बॉडी पे भी टच हो जाए तो वो बर्न कर देता है, ठीक है। वेयर एज इन अदर केस, हमने बीकर में वाटर लिया एंड विथ स्मॉल लॉट, स्मॉल अमाउंट ऑफ, एकदम से यहाँ पे भी हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा ही डाला था, यहाँ पे भी हम एसिड स्मॉल अमाउंट में वाटर में ऐड करेंगे। नो डाउट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर इसमें बाहर स्प्लैश भी थोड़ा बहुत हुआ तो वो वाटर का होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव दैट स्प्लैश वी यूज अ स्टिरर, ठीक है, एक हम ग्लास रॉड लेंगे जिसको पानी को हम रेगुलर इंटरवल पे स्टिर करेंगे। उससे रीजन क्या है कि हाईली एक्सोथर्मिक में जो हीट होती है वो कंप्लीटली सभी डायरेक्शन में रिलीज कर जाएगी और बाहर वाटर भी स्प्लैश नहीं होगा। एसिड में वैसा नहीं हो सकता है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है, एसिड ही स्प्लैश आउट होगा। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का प्रॉपर वे है एडिंग एसिड इनटू वाटर, ठीक है, नॉट वाटर इनटू एसिड। वर्ड का ही फेर है सर, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, हमने एसिड को वाटर में ऐड करना है। ए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखो, ए टू जेड में ए पहले आता है, देन आई, देन डब्ल्यू, ये भी एक लर्न करने का तरीका है। तो वी विल ऐड एसिड इनटू वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है हाउ यू डाइल्यूट एन एसिड, एक्सप्लेन द मेथड बाय विच यू कैन डाइल्यूट एन एसिड। तो वी नेवर ऐड वाटर इन टू एसिड बिकॉज इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसिड विल स्प्लैश आउट विच इज हार्मफुल फॉर अस। बट इफ वी एड एसिड इन टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, ऑल द हीट इज इक्वली डिसिपेटेड इन ऑल द डायरेक्शन एंड इट विल बी नॉट हार्मफुल टू अस।